अच्छा लग रहा है, अब बस कपड़े पहनना बाकी है, बाकी मैं शादी के लिए एकदम रेडी जाऊंगी। चाची जी सब आएंगे, बुआ चाची मेरी तैयारी भी तो जल्दी तैयार हो जाए, शादी में जाना है भी। चल मेरी ड्रेस ठीक है, जल्दी तैयार हो। तेरा वो पुत्र कहाँ है? होगा यही कहीं, पता नहीं मुझे भी नहीं दिख रहा, होगा यही कहीं, पता नहीं कहाँ चले गया। चल उसका तो छोड़, पर तू सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, उसका तो क्या हो तो कुछ भी पहन लेगा, कुछ भी चले जाएगा। तू सबसे अच्छी लगनी चाहिए, मेरी बेटी सबसे अच्छी लगनी चाहिए, बस तेरी फ्रेंड्स भी आएंगे उधर, अनुष्का वनी सब आएंगे उधर, ठीक है उनसे मिल लियो ठीक। चल मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, मैं तो तैयार ही हूँ। ये मेरी मेकअप वेकअप ज्वेलरी वेलरी लगानी, बाकी तो पहले अपना ठीक है, मैं अभी आती हूँ, एक मिनट एक दो मिनट में तैयार होके ठीक है। चल अच्छे से तैयार हुई, हाँ बस अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है मम्मी, ठीक है ओके। फ्यू मोमेंट्स लेटर तीन मिनट तो लगे काला टीका, ये सीधे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सेंड कर देती हूँ, और हाँ यूट्यूब भी पोस्ट डाल देती हूँ। कितनी सुंदर लग रही मम्मी यार, ये सब तो ठीक है पर हम तो लेट होते जा रहे, शादी भी कब की हो चुकी होगी, जल्दी सुबह से ना जब से उसने खाना खा के गायब ही है वो, हम लेट हो गए। Two hundred years later मीना भाई शादी के लिए लेट तो नहीं हुए ना? अरे आप तो एकदम सही समय पर आई, उनकी शादी भी नहीं हो रही, अभी होगी कुछ देर बाद। चलो भाई शादी शुरू करो। हाँ जी पंडित जी, शादी शुरू कीजिए, बहुत समय हो गया, शुभ मुहूर्त निकलने वाला है। कब से शादी रोक रखी है, ये शादी रोकना ना अशुभ माना जाता है, मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। बात तो बिल्कुल सही है, शादी रोकना शुभ ही होता है। लो आ गया, कहाँ थे तू तब से, कहाँ था सुबह से ही गायब है, क्या करा था तू? अरे मम्मी चिंटू के साथ खेलने गया था, अभी अभी जूस पी के आया हूँ, एकदम इतनी थकान लगी थी, कहाँ से भागे भागे। तो बस जूस ही पी, अब चुपचाप रहना ठीक है, शादी चल रही है चुपचाप। ऐसा लग रहा है दूल्हे का तो आज आखिरी दिन होगा। अगर अभी बोल रहे ना तो तेरा मुंह फाड़ के बाहर फेंक नहीं देना मैंने। बेटा ऐसी बातें नहीं करते शादी में, बेटा शुभ माना जाता है ये, वैसे मेरी भाई की शादी है, अगर उसने सुन लिया ना तो शादी छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइप का है। श्री गणेशाय नमो नमः, सर्वं शिवाय शिवाय नमो नमः। हरकम अवर और वधू अपने हाथ में ये प्रसाद लेकर हाथ जोड़ी। शिवाय नमो नमः, अब वर और वधु सात फेरे लगाएंगे।
लगता है इनके सात फेरे 100 साल में पूरे होंगे। लोग देख रहे हैं, थोड़ा शर्म कर ले, शादी चल रही है, शादी पे अच्छे से नहीं होने देगी। वैसे भी ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, 7 फेरे लग रहे हैं, जब तेरे लगेंगे तब पता नहीं क्या होगा। जा ये ले घर की चाबी, घर में जाना और अपने कपड़े चेंज करना। इतनी गंदी हालत हो रखी है, और अच्छे ढंग के वाले कपड़े पहनना, मैंने वो तेरे कल अलमारी में रखा था। अरे कुछ ना कुछ नहीं है बिना, बच्चे हैं, कुछ ना कुछ नहीं है। श्री गणेशाय ओम नमः। 1 घंटे बाद आखिरकार शादी खत्म ही होगी। मेरे तो इधर खड़े खड़े पांव ही टूट गए, मेरे भी इतने थकान लग गई, वही मुझे तो प्यास लगी है जोर की, कोई जूस या पानी देते तो मजा ही आ जाता। मुझे भी कल ही रात को बुखार आया था और आज फिर से इतनी बुरी हालत, पता नहीं सिर भी कैसे झेलता होगा, मेरा तो सिर फटने वाला है सच में। अरे भाई उधर तो जूस का कॉर्नर लगा है और उधर खाने का भी लगा, जल्दी जल्दी चलो वहाँ पे, चलो चलो चलो। अरे मेरे लिए तो रुको, चलो एक बार देख ले तो कोई देख नहीं रहा, अब असली मौका है।